गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हेल्प डेस्क 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास बैंक बीसी पहले से अवेलेबल है और आपने जब बैंक बीसी लिया था तब आपने आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, मगर अब क्या है कि मैंडेटरी हो गया है, बैंक की तरफ से मैंडेटरी है कि अगर आपके पास बैंक बीसी पहले से है या न्यू आप अप्लाई करते हैं तो आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट देना होगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे अगर आपके पास बैंक बीसी नहीं मालूम है कि आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करें, कहाँ पे अपलोड करें, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसको अपडेट करना है अपने बैंक बीसी में। तो गाइस यहाँ पे नीचे एक वेबसाइट है, इसी वेबसाइट का लिंक है csc.bankmitra.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब कि एक फेक वेबसाइट भी है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, अगर आपने देखा होगा ठीक है मेरे चैनल पे है, देख सकते हैं। तो वो फेक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत लोगों का पैसा वेस्ट हो रहा था, तो वो उस वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, इस वेबसाइट पे आना है। ये दूसरी वेबसाइट लॉन्च की गई है सीएससी की तरफ से, तो ये csc.bankmitra.in इस तरीके से यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी, तो यहाँ पे आपको आना है। दोस्तों ये वीडियो सीएससी के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपने सीएससी से नहीं लिया, किसी और कंपनी से लिया तब के लिए नहीं है, सीएससी वालों के लिए है कि यहाँ पे अगर आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए वीएली इन्फॉर्मेशन अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, एक वीएली रजिस्ट्रेशन या अपडेट का मिलेगा, इस पर आपको आना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब खुलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर लॉगिन विद सीएससी आईडी, मतलब कि आपको अपने सीएससी आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, थोड़ा सा ये खुलने में टाइम लगता है, तो जब तक ये खुलता है तब तक वेट कर लेते हैं। वैसे इस तरीके से आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे खुल जाएगा और ये पूरा डिटेल आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा, जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है। अब यहाँ पे आप देखें नीचे इज़ आईआईबीएफ यस या नो, तो यहाँ पे अगर आपने नहीं किया है तो नो पे रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर करना है तो यहाँ पे यस करना है। उससे पहले यहाँ पे कुछ और डिटेल है, जैसे फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, तो ये चेंज करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं चेंज, तो यस पे करेंगे। और बाकी जैसे लेटीट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, जो आपका सेंटर है जहाँ पे, वो भी चेंज करना चाहते हैं, अगर चेंज हुआ है तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यस करना होगा आईआईबीएफ के लिए। जैसे आप यस करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आई, जब जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका डेट यहाँ पे लिखना है, और जिस डेट को आप पास किए थे वो भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है यहाँ से अपलोड करना है, और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे, तो फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आईआईबीएफ का सीरियल नंबर लिखना है, जो यहाँ पे सर्टिफिकेट में लिखा होगा सीरियल नंबर वो यहाँ पे लिख देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देना, बस अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ जो आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने अभी तक अपना जो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो यहाँ जाके आप सीएससी बैंक मित्रा में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ सीएससी वालों के लिए है, ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी कंपनी से लिया हुआ, किसी और कंपनी से लिया हुआ थर्ड पार्टी, तो उस कंपनी का आप सोच रहे हैं, तो नहीं, वो नहीं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ सीएससी वालों के लिए, जिन्होंने सीएससी सेंटर से बैंक बीसी लिया है वो अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट कैसे अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो जाके यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट करिए। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन भी है बगल में, उसको प्रेस करेंगे और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करेंगे, बहुत लोग भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने कोई न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड की है, तो आप जरूर जो है बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट में पूछिए, या तो आप ritesh34 इंस्टा आईडी पे जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।